अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके मुंह पे पैचेस निकले हुए हैं, जिनके मुंह काले हुए हुए हैं, जो सन टैन की वजह से उनके दो फेसेस लगते हैं, तो जो जिनकी छाइयां पड़ी हुई हैं, गोरी रंगत चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़िए, आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिनके निशान हैं किसी वजह से, स्ट्रिप्स की वजह से, जूते की वजह से, वो भी ये लगा सकते हैं। उनके चेहरे पे जितने भी सन टैन के निशान हैं किसी वजह से, गर्मी में वो जूते पहनते हैं, जूतों के निशान पड़ जाते हैं, या कोई बनियाने वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें जिससे उनके निशान नहीं जा रहे, तो वो हमारे साथ जुड़े। और ये वाली जो क्रीम हमने आज बनाई है, तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 स्टेप में हम बनाएंगे। ईजी है, बहुत ईजी है। अपने हाथ पर लगा के आप रात को सो जाइए। ये नाइट क्रीम का भी काम करेगी, आपकी जिल्द को साफ सुथरा करेगी। आपके जिल्द में छाइयां हैं, रिंकल्स पड़े हुए हैं, दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, सब चीज़ें हट जाएंगी। इन चीज़ों की गारंटी मैं देती हूँ आपको, ठीक है। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, मसाम खुले हुए हैं, आपके मसल पोर्स खुले हुए हैं, ठीक है, बहुत सी लड़कियों के ऐसे होते हैं, पोर्स खुले होते हैं, नज़र आते हैं, बहुत बेढंग के लगते हैं। और जिनके ये निशान पड़े होते हैं पेट पर या हमारी थाइस पर, तो उनको भी रात को ये लगा के सो जाए, उनकी दूर हो जाएंगी। जिनकी रेड स्किन होती है, बर्न हुई हुई होती है, तो वो ये लगाएंगी, उनकी बर्न स्किन भी सही हो जाएगी, ठीक है। और जिनके मुंह पे ये ऐसे फ्रैकल्स पड़े होते हैं, ये देखें ना, जितनी छाइयाँ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो वो भी ठीक हो जाए। आइए बनाएं, इस रेमेडी को सीख लेते हैं जल्दी से। बहुत सा टाइम हो गया, तो जल्दी से एक आलू ले लीजिए, उसको हमें पील ऑफ नहीं करना, ठीक है। इसको मैंने हो गया है, मेरा ख्याल आधा घंटा तो हो गया। इसको मैंने ना भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि हमें इसका पानी भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अब लिया है ग्रेटर, जल्दी जल्दी हमने काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपने जुड़े रहना, बने रहना और फुल वीडियो वॉच करनी है, ताकि एक एक स्टेप्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की तैयार करने के लिए, ठीक है। तो आपने इसको इसका ना ये वाला मैंने निकाल लिया ग्रेटर के साथ ना, तो ये देखें, ये इतना जूसी है ना, मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कि कितना जूसी है। ये देखें, आप हाथों के साथ इसे लगा सकते हैं। अब क्या दस्ताने चढ़ाने, क्या कोई अगर चढ़ा सकता है, कर सकता है तो कर ले, ज़्यादा बेटर है। इसको चम्मच के साथ भी आप निकाल सकते हैं, इसको स्ट्रेनर के साथ, जो छन्नी होती है ना उसके साथ भी इसका निकाल सकती हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट निकाल रही हूँ, जल्दी जल्दी से हम निकाल लेंगे इसको। आप नेट में डाल के आप उसमें भी निकाल सकती हैं ना, बस मेरे हाथ थोड़े से हुए हुए थे, मैंने कहा चलो ऐसे ही निकाल लेती हूँ ना। अगर आप इसको ग्राइंडर करेंगी और उसमें पानी डाल के ग्राइंड करके निकालेंगी, पता क्या होगा, तो बाजू का इतना कितने सारे पे इसके ना वो रह जाते हैं ज़र्रे, बाजू का तो ग्राइंड भी नहीं होता। अगर आपके पास है तो आप कर लीजिए, मुझे ये ज़्यादा आसानी लगी तो मैं इसी को कर रही हूँ। ये 2 मिनट का काम है, कोई हमें बिजली खपत करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अक्सर माएँ कह रही होती हैं बच्चियों को, क्या तुम सारा दिन बिजली खपत कर रही हो, एक तो कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ऊपर से तुम ये चीज़ें चला रही हो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो हाथ से ही मेहनत थोड़ी सी कर लें। तो ये मेहनत भी नहीं है, मैं कहती हूँ 1 मिनट भी नहीं लगता इंसान को ना, तो मेरा 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने एक आलू लिया था, अगर आप 1 से 2 हैं 2 से 3 हैं अफराद, आप 2 आलू ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी इसका हमें पानी नहीं चाहिए, आप बस जुड़े रहने, आपने फुल वीडियो के लिए हमारी वीडियो देखनी है, ताकि आप इसका अच्छा सा फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक एक स्टेप इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको ना कोई तंगी ना हो, बाद में ये ना कहें कि ये वाला स्टेप छूट गया तो इसमें क्या आना था। तो ये वाली चीज़ जो है ना, हम अपने जो व्यूज़ है उसको तंग नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वीडियो में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमें मिल गया है पानी इसका, और ये जो है इसका डिस्चार्ज है जो इसका इसमें से निकला था। तो आप इसके चिप्स बना लें, नहीं तो आपने ना पता इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। आप ना, क्योंकि मैंने हाथों से किया है ना, तो अब आप ना अपने जब नहाने लगेंगे ना, पूरे जिस्म पे ना इसको साबुन के साथ रब कर लें, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, ठीक है। ये मेरा फ्री में टिप आपको, ठीक है। ये जो पानी है ना, अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर इसको ढांप के रख दें,
तो ये पानी जो है ना इसका, ये मैंने ढाम के रख दिया था। ये देखें इसका नीचे ना पानी स्टार जो है ना इसका नीचे बैठ गया। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, स्टार जो नीचे बैठ गया और पानी पानी है ना ऊपर रह गया। तो हमने क्या करना है, इस पानी को ना निकाल देना, हमारे किसी काम का नहीं है ये पानी ना। अगर आपका कोई काम का है तो निकाल लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने एक कप ले लेना है, कप में इसको पानी डाल देना है, ठीक है। और ना जो हमारा स्टार्च है ना, वो जो नीचे वाला, वो ही हमें चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो है हमारा। तो आपने अच्छे से आपने देखना है। और जिन लोगों के आपको अजीज़ वकारीब हैं, जो आपको बहुत अजीज़ हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनके फ्रैकल्स बाल लोगों के होते हैं। छाइयाँ इतनी गंदी लग रही होती बाल। ज़्यादातर मैंने उन लोगों को देखा है जो हमारे शहर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, जैसे गाँव की लड़कियाँ हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा ना छाइयाँ पाई जाती हैं, क्योंकि खुला एटमोसफियर होती है, आबो हवा बहुत खुली होती है, धूप लगती है, छाँव लगती है, तो बहुत ज़्यादा ना उनकी स्किन ना डैमेज हुई होती है। अगर आप उनमें से किसी को भी जानते हैं, अपने किसी को जानते हैं, उनको ये वीडियो लाजमी से सेंड कीजिएगा, एज अ फ्रेंड, एज अ क्लीग, किसी भी तो नेबर्स को भी आपने सेंड कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, सदका जारी है एक दूसरे को बताना। ये देखें ये पानी ना किसी काम का नहीं है मेरा, तो मैं तो इसको फेंक दूंगी। अगर आपको किसी काम का है तो आप यूज़ कर लीजिएगा। इस ये हमें हासिल हो गया, एक ट्रे लें, बड़ा सा बर्तन लें, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ये इसको ना चम्मच के साथ हमने फैला देना, खुला खुला करके फैलाना। तो एक घंटा भी नहीं लगेगा आपको, ये सूख जाएगा, ठीक है। एक घंटा भी नहीं, मैं बस रख के आई हूँ। मैंने थोड़े से दो चार जो मेरे काम रहते थे ना वो मैंने किए हैं, जब मैंने आके देखा तो वो सूख गया था, तब इतनी सी देर लगी है, क्योंकि हाँ थोड़ा था। और ये देखें ये वाला जितना भी हमारा बनेगा ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कितना भी बनेगा हमारा, तो वो क्या होगा, वो आप 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, करीम बना सकती हैं एक पोटैटो में। मैं वो वाली रेमेडी लेके आती हूँ जो बिल्कुल सस्ती से सस्ती हो और अच्छी से अच्छी हो, ठीक है। मैं महंगी वाली रेमेडीज़ नहीं लेके आती, जिससे हमारे पैसे भी ज़ाया हो ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर लाजमी कीजिएगा, दूसरों का भला हो, ये हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है इंसानियत होने के नाते, ठीक है। तो ये हमने फैला दिया, अब देखिएगा आधे घंटे बाद ही आप ना जहाँ पे आपने बैठना है पंखा चला के, क्योंकि गर्मी है ना, वहाँ पे आपने रख देना, ताकि आप बच्चों का भी ध्यान रखें, कोई छेड़े ना इसे, ठीक है। तो ये देखें इसकी सूखी हुई हालत क्या हो गई। इस ये ना जो आलू होते हैं ना, वो थोड़े से काले हो जाते हैं ना, थोड़ी देर पड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें आयरन की जो है ना मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो आयरन वाली चीज़ें होती हैं ना, उसकी रंगत ना जल्दी काली हो जाती है। तो हमें हमारे चेहरे को आयरन की भी ज़रूरत है, तो हमारे चेहरे को हर चीज़ की, यानी उनकी ब्लड सर्कल को चलाने के लिए तो उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, आप ना इसको इकट्ठा कर लीजिए, इसको ग्राइंड कर लीजिए, या किसी भी चीज़ के साथ सिलबट्टे में पीस लीजिए। तो ये पाउडर तो वैसे ही बना हुआ है, हाथों के साथ भी आप करेंगे तो ये क्या करेगा हैं, ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी छान लीजिएगा। छानने के साथ तब मैं आपको करके दिखाती हूँ सारा प्रोसीजर, आपको आपके साथ शेयर करूँगी। आपने परेशान नहीं होना, हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना है, ताकि आप हाँ इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो ये मैं इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि छोटा छोटा भी है ना, जो ज़रा ज़रा भी है वो भी हमारा ना कहीं मिस ना हो जाए। तो इसे किसी भी चीज़ में आपने डाल देना है, किसी भी कटोरी में, किसी भी चीज़ में आप डाल लीजिए। फिर इसको क्या करना है, इसको आगे देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है ना, मैंने एक बाउल लिया है, ठीक है। इस बाउल में मैंने वो तमाम अज्जा शामिल करने हैं जो हमारी रेमेडी के लिए ज़रूरी हैं। तो हमारी रेमेडी के लिए इसलिए चंद एक चीज़ें दरकार होंगी जो आपके घर में ही होंगी। तो पहला तो ये जो मैंने पाउडर बनाया है, मिक्सी में छान छून के इसे मैंने रख दिया था। तो ये देखें, मेरे पास कोई वो डिब्बी वगैरह नहीं थी, तो क्योंकि मैं बाहर से डिब्बियाँ कम ही लेती हूँ, मेरा मैं कोई क्रीम इस्तेमाल करती हूँ घर की, जो है ना जुगाड़ को वगैरह करके अपने रंग
वगैरह को फेयर कर लेती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे पास ना ही क्रीमेशनी में हैं तो ना ही मेरे पास डिब्बी हैं, तो किसी से मांगते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती। और बाज़ार से मैंने कहती हूँ जो भी चीज़ है चलो उसमें डाल दूँ, तो सीधे साधे बंदे हैं। तो एक इसमें ना मैंने क्या करना है, ये जो है हमने ले लेना है एलोवेरा जेल। आपने अपनी अंदाज़े के, मैं ना दो चम्मच ले रही हूँ, ठीक है, आप अंदाजन जितना मर्ज़ी ले लीजिएगा, मैंने दो चम्मच ले ही लेने हैं क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी बनानी है सिर्फ और सिर्फ। मेरा ख्याल मेरे 4-5 दिन अच्छे से चले जाएँ, 4-5 भी दिन क्या पूरा हफ्ता आपका चले जाएगा इससे, क्योंकि हम लगाते हैं एक बंदे के लिए बनाने हैं तो दो चम्मच काफ़ी हैं, उसी हिसाब से आप बढ़ाते रहें। तो ये मैंने एक वाइटनिंग कैप्सूल लिया, एक जो है ना विटामिन ई का कैप्सूल लिया, ठीक है, ये दोनों हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि हमने रंग भी फेयर करना है और हमारी चेहरे को जो है ना प्रोटीन की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ना हर मकदार आप देख लीजिए, दोनों कैप्सूल मैं एक ही दफ़ा डाल रही हूँ और इसको इतना हमने बीट करना है कि ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हमें बाज़ारी करीम मिलती है वैसे ही करीम मिलेगी। और मैंने पोटैटो को इसलिए भी पाउडर फॉर्म में रखा है कि ये ख़राब नहीं होगा, अगर बाहर भी आप रखेंगे ना तब भी ये ख़राब नहीं होगा, वरना जूस इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो पोटैटो है वो उसमें आयरन है, उस वो गर्मी चल रही है बुस कर जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। ये क्या है, एलमंड ऑयल है, आप अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आपके पास कोई भी कोकोनट ऑयल हो, कोई भी जैतून का ऑयल हो वो वाला आप डाल देना, जो भी आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन बर्न है, सुन लीजिए, अगर आपकी स्किन बर्न है तो आपने क्या करना है, आपने एक कोकोनट ऑयल डालना है। वो बर्न स्किन जो है ना वो इतनी जल्दी ख़राब स्किन है ना वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो इसको मैंने मिक्स किया है, इसकी ये फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म ये आ गई है। अब इसमें मैंने ये वाला पाउडर लेना है, और पाउडर कितना लेना है हमने ये मैं चम्मच के साथ आपको बताती हूँ, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून लेना है आपने, ठीक है, हाफ़ टी स्पून आपने ले लेना है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी, डिटेल के साथ बताऊँगी, ताकि आपके आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ और रिज़ल्ट अच्छे आएँ। जब हम चीज़ ये देखें, मैंने संभाल के रख लिया, ये पाउडर कितना सा बना था आपने देख लिया। जब हम हर चीज़ की मिकदार सही डालेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाएंगे तो हाँ कोई वजह नहीं है जो हमारा रंग गोरा ना करे, ठीक है। पहले मेरा भी रंग ऐसे ही होता था, लेकिन जब मैं रेमेडीज़ वगैरह बनाने लग गई हूँ तो मेरे कलर में इतना फ़र्क आया है ना, मैं कहती हूँ ना ही मुझे ब्लीच की ज़रूरत है ना ही मुझे किसी और की जो ज़रूरत है, ठीक है। फिर मैं करती रहती हूँ 15 दिन बाद लाजमी, ताकि मेरा रंग बिल्कुल सही रहे। तो ये देखिए इस्तेमाल की क्या तरीका, ये हमारी अब रेमेडी बिल्कुल रेडी है, मैंने इतना इसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं उंगली लगा के देख रही हूँ, जैसे एक क्रीम बन गई है, ठीक है, अब ये हमारी रेडी है। अपने अपने क्या करना है, अपने हाथों पे मसाज करना है। कब करना है, रात को इसे चूल्हे के पास जाने से पहले के बाद ना आप कर कीजिएगा, सॉरी, चूल्हे वगैरह का काम हो जाए, घर का काम हो जाए, जब आप सोने लगे बिल्कुल ऑन द बेड हो आप सोना है बस, तब आप लगा लीजिए और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको। जल्दी से मिलने वाला जो रिज़ल्ट है ना 7 दिनों में, जैसे कि मेरा टाइटल आप देख रहे हैं 7 दिनों में, तो वो वाला रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें, इसमें आपको ठंडक का एहसास होगा क्योंकि एलोवेरा जेल है। रिज़ल्ट अच्छे पाना चाहती हैं तो बिल्कुल एज़ इट इज़ इसको लगाएं और ट्राई करें, दूसरों में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे भी फायदा करें। सर्कल आपके ख़त्म हो जाएंगे, डार्क स्किन आपकी ख़त्म हो जाएगी, वाइट ग्लो करेगी आपकी स्किन। तो दूसरों, मैं आपको इसकी ना सेव करने का भी तरीका बता देती हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये जो हमारी है ना, क्या नाम है, डिब्बी वगैरह, कोई भी डिब्बी जो जार वगैरह होता है, आपकी एक्स्ट्रा डिब्बियाँ होती हैं घर में स्टील मैन वगैरह की, या किसी भी कोई फेयर लवली की लोग बच्चे लेती हैं ना, बच्चियाँ लेके आ जाती हैं, तो या एलोवेरा जेल वालों की डिब्बी वगैरह, कोई भी आपके पास डिब्बी पड़ी है उसमें से सेव करके आप फ्रिज में रख लीजिए, ठंडी ठंडी लगाएंगी, एक जो हमारे मसाम जो पोर्स खुले होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और ये है कि
ये है कि बाकी ये है कि इस ये स्किन है ना वो भी हमारी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी ना, जल्दी काम करेगी ठंडी ठंडी जो है ना। ये देखें मैंने डिब्बी में डाल दी है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, डिब्बी में डाल के रख दीजिए फ्रिज में और लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए मेरे काफ़ी होगी, क्योंकि मैंने अकेले ही लगानी है, अपनी बच्चियों के भी लगा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।